हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी को देसी गायों की प्रजातियां और पहचान के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहली प्रजाति है साहिवाल। उत्पत्ति स्थान है वो है पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला। नेक्स्ट है भारत में इस गाय का मूल स्थान उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में अधिकतर पाई जाती है। साहीवाल गाय के पहचान के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। यह गाय का रंग लाल होता है। इसका शरीर लंबा और टांगे छोटी होती हैं। इनके थन जलते हुए ढीले होते हैं। सींग और गर्दन के नीचे त्वचा लोर होती है, यानी कि त्वचा जो होती है वो ढीली होती है। साहीवाल गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? 2000 से 3000 लीटर प्रति ब्यांत काल होता है, यानी कि एक ब्यांत काल में यह 2 से 3 हजार लीटर दूध देती है। नेक्स्ट है साहीवाल गाय का वजन। तो यह 400 किलोग्राम इसका लगभग वजन होता है। इसमें लगभग ही चलता है एग्रीकल्चर में। जैसा कि इस गाय का फिगर देख सकते हैं, यह गाय कुछ इस प्रकार होती है। इसका रंग लाल होता है और यह देसी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय है। नंबर दो प्रजाति है लाल सिंधी गाय। इस गाय का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। लाल सिंधी गाय का भारत में मूल स्थान है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आदि राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है। लाल सिंधी गाय के पहचान के लक्षण हैं। इसका रंग लाल होने के कारण इसे लाल सिंधी कहा जाता है और यह सिंध प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए इसे लाल सिंधी भी कहा जाता है। इसका आकार साहीवाल जैसा ही होता है। इसके सींग जोड़ों के पास मोटे होते हैं और इसके शरीर की तुलना में कूबड़ बहुत अधिक विकसित होता है, यानी कि ऊबड़ बहुत अधिक निकला होता है। इस गाय का दूध उत्पादन 2 से 3 हजार लीटर प्रति ब्यांत काल होता है और इस गाय का वजन 350 किलोग्राम होता है। इस गाय का फिगर कुछ इस प्रकार है। इसका भी रंग लाल ही होता है। नेक्स्ट है नंबर तीन गिर गाय। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान गुजरात के काठियावाड़ का गिर क्षेत्र है। नेक्स्ट है गिर गाय के पहचान के लक्षण। यह गाय गिर जंगलों में पाई जाती है, यानी कि गुजरात के जो गिर जंगल हैं वहाँ यह गाय पाई जाती है, इसीलिए इसे गिर गाय कहा जाता है। इस गाय का रंग पूरा लाल या पूरा सफेद होता है। इनके कान छोटे, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं। इस गाय का दूध उत्पादन 5 से 8 लीटर प्रतिदिन होता है। नेक्स्ट है गाय का वजन। इस गाय का वजन भी 400 किलोग्राम होता है। नंबर फोर थार पारकर गाय। थार पारकर गाय का मूल स्थान बाड़मेर यानी कि राजस्थान है। थार पारकर गाय का उपनाम है मालवड़ी। इसे मालवड़ी नाम से भी जाना जाता है। गाय के पहचान के लक्षण। थार पारकर गाय का रंग खाकी भूरा या सफेद होता है। इसका मुंह लंबा और सींगों के बीच चौड़ा होता है। गाय का दूध उत्पादन 1400 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत काल होता है। नेक्स्ट है गाय का वजन। इस गाय का वजन भी 400 किलोग्राम होता है। इस गाय का फिगर कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रजाति है नंबर फाइव कांकरेज गाय। कांकरेज गाय का उत्पत्ति स्थान कच्छ के दक्षिण पूर्व है, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है इसका उपनाम या द्विपरियोजनी नस्ल के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि यह द्विकाजी नस्ल है। यह मांस उत्पादन और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है। कांकरेज गाय के पहचान के लक्षण। इस प्रजाति की गायों का मुंह छोटा और चौड़ा होता है। इस प्रजाति की गायों के बैल वाहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि यह भार ढोने में उपयुक्त होते हैं। इस गाय का रंग काला भूरा लोहिया होता है। इस गाय की चाल अटपटी होती है। इस गाय का दूध उत्पादन
500 से 10 लीटर प्रतिदिन होता है और गाय का वजन 400 किलोग्राम होता है। इस गाय के सींग नुकीले होते हैं और बड़े होते हैं, जो कुछ इस प्रकार आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, हरियाणवी गाय। इस गाय का मूल स्थान हरियाणा और पूर्वी पंजाब माना जाता है। हरियाणवी गाय के पहचान के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। इस गाय का रंग सफेद होता है। इस नस्ल की गायों के बैल कृषि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और यह दिकाजी नस्ल होती है, क्योंकि यह मांस उत्पादन और दूध उत्पादन दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। इस गाय का दूध उत्पादन 1400 से 3000 लीटर प्रति व्यांत काल माना जाता है और गाय का वजन 350 किलोग्राम होता है, जो कि अन्य गायों से छोटी होती है। हरियाणवी गाय का फिगर कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। अब कुछ देसी प्रजातियां कुछ इस प्रकार हैं और उनके जन्म स्थान। राठी गाय का जन्म स्थान राजस्थान का गंगानगर है। मेवाती नस्ल की गाय को कोसी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह गाय मेवात यानी कि प्रेजेंट में से नूह कहते हैं का क्षेत्र, जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसका जन्म स्थान माना जाता है। देवनी गाय का जन्म स्थान कर्नाटक के बिदार जिला माना जाता है। नेक्स्ट है नंगोरी नस्ल। यह नस्ल राजस्थान के नंगोर जिला में पाई जाती है, इसीलिए इसका जन्म स्थान नंगोरी माना जाता है। नेक्स्ट है पवार नस्ल। यह रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है खेरीगढ़ नस्ल। यह भी उत्तर प्रदेश का खेरीगढ़ क्षेत्र, इसका जन्म स्थान माना जाता है। खिल्लारी नस्ल महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसीलिए इसका जन्म स्थान भी महाराष्ट्र कहा जाता है। अमृत महल नस्ल। यह नस्ल कर्नाटक के मैसूर जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट है मालवी नस्ल। यह नस्ल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट है हल्लीकर नस्ल। यह नस्ल मैसूर कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट नस्ल है बेचूर नस्ल। यह नस्ल केरल में पाई जाती है, इसीलिए इसका जन्म स्थान केरल माना जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जेके एग्रीकल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।